भी कर रहा है और खाने पीने का व्यवस्था हम लोग को दिया है। ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारा गर्लफ्रेंड का शादी हो जाए दूसरे से और तुम उसका बारा तुम्हें खाना खिलाते रह जाओ। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, टकला को भारी पड़ेगा अगर वो ऐसा किया तो। अब हमको पता लगाना पड़ेगा कि कहीं सही में तो टकला सपना का शादी नहीं कर रहा है। दोनों को रखा तो टकला को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग से वो कैटरिंग का सर्विस लिया है, हम लोग ऑनर है। जब हम लोग जाएंगे ना सर्विस देने, अगर पता चला कि सपना का शादी करा रहा है टकला तो देखना हम कैसा हंगामा करेंगे। टकला अपना जीवन में कभी नहीं भूलेगा वो दिन। अरे बेईमान, देखे टकला ने तो अपना वादा पूरा किया, तुम्हारा बेटा के शादी के लिए कैटरिंग बुक कर दिया हम। तुमको नहीं मिल रहा था 4,00,000 रुपए में कैटरिंग वाला, हम करवा दिए अपना पहचान से। अरे बहुत बहुत धन्यवाद टकला, और तुम हमको अपना हॉल दिए हो शादी के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेईमान, तुम हमारा दोस्त हो, धन्यवाद किस चीज का बोल रहे हो? ढोकला तो हमारा भी बेटा जैसा है। धन्यवाद नहीं बोलो, बढ़िया से धूमधाम से शादी होगा ढोकला का, हमारा घर से ही तो बारात निकल रहा है। अरे कलकल उठा, तुम कैसे बारात में घुस गया? तुमको कौन इनवाइट किया है? जाओ अपना घर में और अपना ही भिखमंगा भाई कभी ले जाओ, दूसरे का बारात में खाने के लिए घुस जाते हो। अरे टकला भिखमंगा तुम होगा समझा, हम लोग को इनविटेशन कार्ड मिला है तो ही आए हैं। अरे कौन दिया इनविटेशन कार्ड तुमको? बेईमान क्या क्या दिए उनकी तरफ से हम लोग, इसीलिए टकला साले अपना मुंह बंद रखो तुम, नहीं तो मुंह में इतना लात मारेंगे ना मुंह कभी खोल ही नहीं पाओगे। साला बारात में नाचने आया, नाचने नहीं दे रहा, बकवास कर रहा है। नाचो नाचो। अरे बेईमान इस लोग को कैसे बुला लिया, इस साला लोग को बेकार बुला लिया। इस साला लोग जहाँ होता है ना वहाँ पनौती होता है, मोहल्ला में रहता तो इसका मतलब थोड़ी ना है जिस देश को बुला लिया जाए। हमसे एक बार पूछता तो मना कर देते साले लोग को बुलाने से, कहे छोड़ो आ गया तो रहने दो, कुछ भी उल्टा सीधा किया तो लात मार के निकाल देंगे साले लोग को। और दोनों भाई भिखमंगा, गोलगप्पा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना, खाओ खाओ बढ़िया से खाओ, खाना भी खा के जाना। अरे टकला गोलगप्पा तो हम लोग खा लेंगे, तुम उसका चिंता मत करो, लेकिन ये बताओ दुल्हन कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं है? अरे तुमको क्या रे दुल्हन से, तुमको दूल्हा बनना है, जोर बना रहे हो, चुपचाप से खाओ पियो निकलो। अरे समय आने पर ना हम दूल्हा बन भी जाएंगे, चिंता मत करो तुम, उस समय रोकने भी आओगे ना तो खा नहीं पाओगे कुछ। अरे इस साला बकवास कर रहा है, इससे बात करो ना तो दिमाग खाने लगता है। तुम गोलगप्पा खाओ, दिमाग मत खाओ हमारा, हम जा रहे। अरे जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं वो खा कैसे सकते हम लोग, जाओ साले यहाँ से जाओ भागो। अरे इस साला हमको हमारा पार्टी में करिया रहा है, अरे साले मारेंगे जूता खोल के ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा, हमको हमारा पार्टी में करिएगा तुम। पार्टी तुम्हारा हो या हमारा हो, हमारा जब मन करेगा हम तब तुमको करिएगा साले, क्या कर लेगा हमको? साला बोलता है भिखमंगा, तुम साले भिखमंगा, तुम्हारा बाप भिखमंगा समझा, 4,00,000 में कैटरिंग करना है साले को भिखमंगा कहीं का, इतना पैसा कहाँ घुसा के रखेगा? अरे साला इस लोग को कैसे पता चला हम 4,00,000 रुपए में कैटरिंग बुक की है? अरे साला तुमको कैसे पता चला हम 4,00,000 रुपए में कैटरिंग बुक की है? अरे वो तो हम ऐसे ही फेंक रहे थे, तीर निशाने पे लग गया, पता चल गया तुम 4,00,000 में बुक की हो, उससे ज्यादा तुम्हारा औकात ही नहीं है। इस साला लोग ढेर होशियार बनता है, इस लोग से दूर रहने में ही फायदा है। लगता है टकला ऐसे नहीं बताएगा दुल्हन के बारे में, कोई आइडिया लगाना पड़ेगा पता करने के लिए, आखिर शादी है तो है किसका। हेलो कौन? हेलो सस्ता कैटरिंग से बोल रहे हैं? हाँ बाबू, आए नहीं हो तुम पार्टी में, देख नहीं रहे हो? अरे टकला जी खाना का इंतजाम हो गया ना, बताइए खाना कैसा है? अरे बाबू खाना बहुत बढ़िया है। दुल्हन बोलिए कि खाना बढ़िया है। अरे नहीं नहीं बाबू, हम बोल रहे हैं, हम चखे हैं। मतलब दुल्हन को अभी तक नहीं चखाए हो? नहीं नहीं अभी दुल्हन नहीं खाई है। अरे तो साले खिलाओ ना, पता कैसे चलेगा खाना अच्छा है कि नहीं, जिसका शादी अगर वो नहीं खाएगा तो दूसरा खा भी लिया तो क्या फायदा, बेवकूफ कहीं का, जिसका शादी उसको खाना नहीं खिलाया खुद खा के आया भिखमंगा। अरे साले रे गरियाता कौन चीज है फोन पे तुम, है तुमको साले उस दिन भी बुक कर रहे थे तो बकवास कर रहा था, तुमको दुल्हन से क्या है रे, हां बार बार फोन करता है बोलता है दुल्हन कहाँ है दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को खाना खिलाए कि नहीं, दुल्हन के पीछे काहे पड़ा है तुम? अरे हमको दुल्हन का नाम जानना है, अगर नहीं बताया ना तो सारा आदमी को बुला लेंगे, खाना वापस लेकर फिर खिलाते रहना अपना आदमी लोग को खाना। अरे साला धमकाता कौन चाहिए रे, हां धमकाता कौन चाहिए, तुमको साले दुल्हन के बारे में बहुत जानना है, तुम्हारा शादी है जो दुल्हन के बारे में जानना चाहते हो, चटनी नाम है दुल्हन का, और कुछ जानना है? अच्छा दुल्हन का नाम चटनी है,
और दूल्हा का नाम ढोकला। ठीक है जोड़ी बढ़िया है टकला जी, कराइए शादी मौज से। लेकिन हम सुने हैं कि आपकी बेटी नहीं आई है पार्टी में, उसको क्या घर पर छोड़ दिए, वो डांस नहीं करेगी शादी में। अरे साला तुमको कभी दुल्हन के बारे में जानना है, कभी हमारा बचिया के बारे में जानना है, तुमको लड़की में इतना इंटरेस्ट का है रे? अरे टकला जी कहे कि हम लड़का है ना, इसीलिए पूरा इंटरेस्ट हमारा लड़की में होता है, आपकी तरह थोड़ी ना लड़का में इंटरेस्ट रखते हैं। रे साले रे, तुम लड़का में इंटरेस्टेड होगा, हम नहीं है समझा, कौन रख दिया, इस साले को छोड़ेंगे नहीं हम, एक बार प्रोग्राम हो जाए ना तब बताएंगे। अरे बेईमान, सवेरे सवेरे हमारा घर पे आए हो और ये आदमी सबको कहीं लेके आए हो लाठी वगैरह लेके। अरे चोर साला, कल तुम हम लोग को खिलाए हो ना, आज हम लोग तुमको खिलाएंगे। अरे क्या खिलाओगे बेईमान, अरे इसे क्या जरूरत था इसका, तुम हमारा दोस्त थे तभी ना तुमको और तुम्हारे रिश्तेदार को खाना खिलाया हम। और बेटा ढोकला कैसा है और चटनी कैसी है, दोनों ठीक है ना? अरे इससे ज्यादा उस लोग के साथ क्या हो सकता है जो उस लोग के साथ हो गया है। क्या हो गया उस लोग के साथ? अरे साला तुमको सब पता है, तुम नाटक करता है। कौन सा खाना बनवाया था हमारा बेटा का पार्टी में? तुम मेरा बेटा और बहू दोनों मर गया, पार्टी में जितना मेहमान था आधा से ज्यादा सब मर गया। अरे क्या बोल रहे हो, सब मर गया, ये कैसे हो सकता है? हम खाना खिलाए थे, जहर थोड़ी ना खिलाए थे। अरे तुम्हारा खाना जहर से कम नहीं था हमारे साले को। अरे छोड़ दो हमको, छोड़ दो, हम कुछ नहीं किए, छोड़ दो। अरे साला हमारा हड्डी तोड़ दिया मार के, हम छोड़ेंगे नहीं सस्ता कैटरिंग वाला को, कौन खाना बनाया जो मर गया सब, लेकिन सब मर गया तो हम काहे बचे हैं। ओ हम तो खाना खाए ही नहीं थे, हम तो खाली स्नैक्स खाए थे, जरूर खाना में कोई प्रॉब्लम था, हम तो खाली खाना थोड़ा सा चखे थे तभी इतना सस्ता में किया था। साले लोग को छोड़ेंगे नहीं, ऑफिस ढूंढ के उस लोग को मारेंगे। अरे साला कौन है रे तुम, कौन बैठा है कुर्सी पे? काला का लूटा तुम बैठा है, तुम है सस्ता कैटरिंग का मालिक, और तुम ने बुला के दो, तुम भी इसके साथ है। अरे टकला ही सस्ता कैटरिंग का हम दोनों मालिक हैं। क्या हुआ टकला, खाना बहुत अच्छा लगा क्या जो दोबारा बुक करने आए हो? अरे चुप साला, कौन सा खाना खिलाया था, बाराती में जितना लोग आया था सब मर गया। अरे तो तुम कैसे बच गया, तुम भी तो बाराती में था ना? अरे वो सब छोड़ो, तुम ही बताओ कैसे हुआ ये सब, कौन सा खाना बनवाया था तुम? अरे टकला हम लोग खाना बनवाते नहीं है, बल्कि बाहर से मंगवाते हैं, जिस भी होटल का खाना बच जाता है 3-4 दिन पहले का वही मंगा कर खिलाते हैं हम लोग, और वो भी हम लोग कहाँ से उठाते हैं, कचरा से। जब वो लोग फेंकने जाता है ना तो हम लोग अपना डब्बा वहाँ आगे रख देते हैं, उसी में फेंक देता है, और हम लोग हर आइटम के लिए अलग अलग डब्बा रखते हैं। वो लोग बोलता है तुम लोग कद्दूपुर में बड़ा स्वच्छता का काम कर रहे हो, खाना का अलग अलग डब्बा रखे हो, उस लोग का क्या मालूम हम लोग यही खाना बेचते हैं। कहे कि हम लोग समाज का सेवा कर रहे हैं, खाना का बर्बादी नहीं होने देते हैं, इसीलिए ऐसे करते हैं। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आया, 3-4 दिन पहले का बासी खाना तुम्हारा सारा मेहमान खाया, तुम भी खाया, तुम लोग को पता नहीं चला साले, तुम लोग कार्टून है कि जानवर है? इतना दिन पहले का खाना तो जानवर लोग भी नहीं खाता है, और तुम लोग खाने के बाद बोला बहुत अच्छा, ये बात सुनकर तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। अरे तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं साला, सब सस्ता सस्ता बोल के जहर दे दिया, तुम लोग के चक्कर में मेरे ऊपर केस हो गया और मार के भी गया हमको, तुम लोग कभी साले नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमको वो लोग मार के गया तो तुम मरा नहीं, जिंदा कैसे हमने सामने? अरे चुप साला, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम, जाए अगर हमको उल्टा सीधा सजा सुनाए ना तो तुम लोग को भी फंसाएंगे हम, देखना तुम लोग के साथ क्या करते हैं हम, अगर हमको कुछ हुआ तो तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसके आगे का भाग देखना है तो गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या जस्ट साहब हमको फांसी का सजा दे देंगे।